मुझे माफ कर पाओगी नायरा? नायरा प्लीज कहो ना। तेरे ही साए में ख्वाबों की बाहों में अपनी कहानी लिखूं, हंसते हुए पल में रोते हुए पल में बस तेरी जुबानी बहू। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोर सैया, रहना ना बीते बने। The number you are trying to call is currently not reachable. क्या हुआ प्रिंसेस, तुम जाग क्यों गई? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई। नहीं पापा, नानी कुछ नहीं चाहिए, वो मैं वॉशरूम जाना था, वॉशरूम। वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। और वो भी ठीक है, हमने फोन करके पता किया था। अच्छा लगा देख के कि तुम्हें उसकी भी चिंता है। दुखी हूं, नाराज हूं, तकलीफ में हूं, पर हूं तो एक इंसान ही ना। किसी दूसरे इंसान के लिए एक इंसान के मन में जो भावना होती है वो कभी नहीं मरती मनीष जी, चाहे लोग उसे कितना भी गलत क्यों ना समझे। आप एक बार देख लेंगे जाके कार्तिक कैसा, उसकी उसकी तबीयत कैसी, उसका मूड कैसा, वो ठीक तो लूंगा, लेकिन मैं वो कहां देख पाऊंगा जो एक एक मां की आंखें देखना चाहती है। पर वो तो अपनी मां से। तो क्या हुआ? सारी दुनिया जानती है कि एक मां की ममता का हक बेटे की नाराजगी से बहुत ऊपर होता है। माफी की जरूरत हमें है, एटलीस्ट मुझे। दोपहर के 1 बज गए, इतनी देर तक कैसे सोती रह गए? दवा की वजह से बिटिया, डॉक्टर ने कहा है कि इस दवा से नींद आएगी, और 1-2 दिन तू जितना आराम करे, जितना सोए उतना ही अच्छा है तेरे लिए। कार्तिक कैसा होगा पता नहीं, कैसे पता करूं? हर चीज में जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इस समय जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूं। I'm sorry, नायर। इतने साल तुम्हें अपने आप से दूर रखा,
ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं मैं। गाइस, तुम्हारी नायरा से बात हुई? नहीं, हमने फोन किया था, कीर्ति जी ने कहा कि वो सो रही है। मेरा तो फोन ही वहां गिर के खराब हो गया, कॉल ही नहीं कर सकता उसे। हेलो, फोन था? नायरा भाभी। अरे तुम मुझे क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा ही नहीं। अरे तो तुम तो Anyways, क्या बोल रही थी वो? आपको मैसेज देने के लिए बोला। क्या? We need to talk. We need to talk? हाँ, आज रात 8 बजे स्टार कैफे, बात करने बुलाया आपको। We need to talk मतलब? जब मिलेंगे तो बात ही करेंगे ना? अरे stupid है क्या तू? We need to talk वो तब यूज होता है जब कुछ गड़बड़ होती है। We need to talk मतलब प्रॉब्लम। लोग ये तभी कहते हैं जब किसी को कुछ मना करना होता है या ना बोलना होता है या ब्रेकअप। नहीं नहीं नो। पर क्या कहना क्या चाहती है नायरा? We need to talk about what? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। यकीन ही नहीं होता इतने बड़े हादसे से हम सब सही सलामत लौट कर वापस आए, खास तौर पे कार्तिक और नायरा। भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाता तो। कार्तिक नायरा जब मिल नहीं रहे थे तब जान ही निकल गई थी सबकी। नंदनी बुआ भी जाते टाइम परेशान थी, बार बार कह रही थी कि खबर देते रहना, और वहां से भी फोन आया था लवकुश का, नायरा के बारे में पूछ रहे थे। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। 2 घड़ी पहले हम एक दूसरे से नाराज थे, लड़ाई कर रहे थे, और अब वही तो। रिश्ते सच में होते ही अजीब है। हाँ, मन में कड़वाहट थी तो मुंह से 2-4 कड़वी बातें निकल गई, वरना तो मन से ना वो हमारा बुरा चाहते हैं ना हम उनका। मानती हूँ कहा सुनी हो गई, पर अब भूल जाते हैं वो सब। अब कहाँ रोज रोज मिलना होगा, कहाँ मन मुटाव होगा। दूर दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, ना वो हमें कुछ कहेंगे और ना हम उन्हें। खुद ही भूल गए। चल आज कुछ विश मांगते हैं इससे। भगवान जी, नायर भाभी की फैमिली और हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक कर देना, कर दो ना प्लीज। मेरा ने माफ नहीं किया और तू चली गई मुझसे। एक पल नहीं रह सका मैं तुम्हारे साथ अब। I hate you क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। And I hate you क्योंकि तुमने मुझे कभी trust नहीं किया। Divorce granted, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। कैसा अभिमान है तुम्हारी इस पीढ़ी का कि गलती करना मंजूर है लेकिन सलाह लेना नहीं, वो मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। I'm sorry, Nair. जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।